तो दोस्तों ये देखो क्लियर डिफरेंस दिख रहा है। हाय दोस्तों, आज जो है हम चेंज करने वाले हैं फ्रंट डिस्क पैड इंटरसेप्टर का, एंड किस तरह से चेंज किया गया था। मैंने वैसे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, बट अगेन मैं चेंज कर रहा हूँ ब्रैम्बो का। ये ब्रैम्बो का है एंड मैंने ये स्पेटिफाई से मंगाया हुआ था। मैंने एक लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मैं ये चेंज करने वाला हूँ। रेयर का भी है मेरे पास, बट वो इस वीडियो में नहीं करने वाला हूँ। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए चेंज कैसे करते हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में तो करेगा, मैं कर दूंगा। वैसे भी है, अच्छी लाइफ है रेयर में, बट फ्रंट एक्चुअली चेंज करने लायक हो चुका है। अगर मैं अभी चेंज नहीं करूँगा उसको तो फिर वो डिस्क प्लेट भी जो है वो भी धीरे धीरे खराब करने लग जाएगा। तो जल्दी इसको ओपन करते हैं एंड कैसे कैसे इसको क्लीन भी करते हैं अंदर से वो भी दिखाऊंगा, एंड साथ साथ इसको चेंज करते हुए दिखाएंगे। तो आप चाहे तो कि ईजिली घर पर जो है खुद खुद चेंज कर सकते हैं, क्या चेंज कर सकते हैं वो इस वीडियो में आएगा। तो चलिए जानते हैं। इसको ओपन करने से पहले पहले मैं आपको दिखाता हूँ कंडीशन कैसे चेक किया जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कितना ही पास आ गया है ये दोनों, ठीक है। ये इतना गैप आपको दिख रहा होगा, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पास आ गए। एंड जैसे ही आप झुकेंगे ना तो आपको दिख जाएगा कि ये जो है ना पास में आ रहा है। अभी भी जो है ये 100-200 किलोमीटर चल जाएगा, बट मैं रेस्ट नहीं लेने जाता, वरना एक प्लेट को ये प्लेट को चेंज करना फिर अलग खर्चा आ जाएगा। तो उससे पहले ही जो है मैं चेंज कर जाता हूँ। एक बार मैं खोलता हूँ इसको ताकि आपको दिखे कि एक्चुअल में कितनी जो है इसकी लाइफ बाकी है, वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों फर्स्ट ये दो बोल्ट 13 नंबर के बोल्ट जो है खोलने पड़ेंगे, तो आप रिंग पाने से जो है इसको खोल सकते हैं। थोड़ा टाइट रहेगा, तो उसका बोल्ट जो है निकल चुके हैं। आप उसको धीरे धीरे जो है पुल करेंगे, अच्छे से ऐसे ऐसे करके पुल करिए, ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये बाहर निकल गया। अब मैंने बॉक्स यहाँ इसलिए रखा है बाकी मैं इसके सपोर्ट दे सकूँ उस पर यहाँ पर, ताकि केबल्स पे ज़्यादा स्ट्रेस ना आए। एंड अब यहाँ पर आपको एक लॉक पिन दिखाई दे रहा होगा, ये जो ये पिन दिख रहा है इसको हम ओपन करेंगे, खींचेंगे यहाँ से और इसको निकालेंगे, ठीक है। इसको ऐसे खींचिए, इसको आप प्लायर से भी निकाल सकते हैं, स्क्रू ड्राइवर से भी निकाल सकते हैं। वो ये निकल चुका है, ये पिन है, और ये पिन संभाल के रखना है क्योंकि वापस लगाना भी है इसको। फिर अब हमें जो है ये पिन निकालनी होगी, ये पिन निकालेंगे हम ताकि जो है ये प्लेट जो है इसमें से निकल सके। तो इसके लिए हमको कुछ ठोकने के लिए चाहिए होगा। तो ये पिन निकल चुकी है, इसको हम क्लीन करेंगे। इसी पे जो है मूवमेंट होती है प्रॉपरली, तो इसको भी हम अच्छे से क्लीन करेंगे। एंड यहाँ से नील निकाल देता हूँ, और ये रहा डिस्क पैड। ये देखिए कितना घिस गया है, एकदम सही टाइम पे चेंज कर रहा हूँ मैं। ये साइड ऐसे रहता है, एंड जिस तरफ सिलेंडर रहता है, ये सिलेंडर आप देख रहे हैं, जिस तरफ सिलेंडर रहता है सिलेंडर साइड पे ही जो है ये जो उसका जो पैड होता है ना सबसे ज़्यादा घिसता है। तो ये देखिए इसमें इस तरफ तो दिख रहा होगा, बट यहाँ से अगर मैं दिखाऊंगा आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो थोड़ा और चलाता तो प्लेट जो है धीरे धीरे घिसने लग जाती, एंड उसकी वजह से प्लेट का खर्चा भी आता। तो इसलिए कहते हैं कि टाइम सही टाइम पर चेंज कर देना चाहिए। तो दोस्तों इसको भी हम जो है अब ओपन कर ही दिया है, तो अच्छे से इसको क्लीन करेंगे। जितना भी आप देख रहे हैं ये जो पूरा डस्ट दिख रहा है, ये पूरा जो दिख रहा है इसको भी अच्छे से क्लीन करते हैं। एंड क्लीन करने के बाद में जो है फिर नया पैड जो है लगाएंगे, एंड इसको भी अच्छे से क्लीन करना होता है। तो इसको भी अच्छे से सैंड पेपर से रगड़ के, ताकि जो भी ऊपर डस्ट या रस्ट जैसा लगा हुआ है हल्का हल्का दिख रहा है वो भी क्लीन हो जाएगा, एंड उसके बाद प्ले भी स्मूथ हो जाएगा। तो उसको अच्छे से क्लीन करते हैं, दिखाता हूँ कैसे क्लीन करते हैं। तो दोस्तों ये देखो क्लियर डिफरेंस दिख रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा जो है हालत खराब हो जाती। इस साइड का तो है, इस साइड का को हल्का हल्का दिखाई दे रहा होगा, बट ये भी गया हुआ है। तो अब जो है चेंज करते हैं, एकदम अच्छे से यूज़ किया हुआ है। तो चलो क्लीन करते हैं और चेंज करते हैं।
तो दोस्तों ये ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है एंड ये मोमेंट भी आपको देखना होता है, ये प्रॉपरली हो रहा है। ये देखिए आप ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। अब बारी आती है ये पिन की, तो इस पिन को भी क्लीन होना होता है बिकॉज जब ये यहाँ लगा रहता है ना, इसी पे जो है डिस्प्ले मूव करती है, तो हमको यहाँ पे कई बार ये देखिए गंदा हो गया है, हल्का हल्का जगह रस्ट भी दिख रहा है। तो इसको सैंड पेपर से जो है आप इसको ऐसे ऐसे लीजिए और अच्छे से ये देखिए रस दिख रहा है, तो ऑलमोस्ट अच्छे से साफ हो गए। अब इसको फिट करेंगे तो अच्छा जो है इस पर मूवमेंट करेगा। अब ये जो रहता है ना, मैं ऐसे बता रहा हूँ, ये जो मूवमेंट होता है दो प्लेट्स होती हैं वो आसपास जो है प्रेशर से ऐसे मूवमेंट होती है, तो कोई भी रस्ट ऐसा रहता है ना तो उसकी वजह से मूवमेंट जो है उतना प्रॉपरली नहीं हो पाती, तो नॉइज़ वॉइज़ ये सब का प्रॉब्लम जो है रहता है। तो अगर ये क्लीन रहेगा तो मूवमेंट आराम से होगा। अब दोस्तों पहले तो हमें देखा कि कितना ज़्यादा डिस्क पैड जो है वो घिस गए थे, तो इनको जो है अंदर करना होता है। इनको अंदर करने के लिए ऐसा एक घर में बेसिक टूल मिल जाता है जिससे कि आप इसको जो है अंदर इसको दबा के पुश कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा हार्ड होता है, अगर ये फिर भी अंदर नहीं हो रहा है तो आप इसको ओपन करके यहाँ से जो है इसका ईयर जो पास करते हैं, ठीक है, ब्लीडिंग करते हैं, इसको ओपन कर दीजिए, ठीक है, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, दबाएंगे यहाँ से थोड़ा ऑयल निकलेगा, उसको अच्छे से साफ कर देना और ये अंदर आराम से जो है प्रेशर करके चले जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक तरीके होते हैं जिससे कि आप कर सकते हैं इसको अंदर, ठीक है, वरना वो जो कई लोग स्क्रू ड्राइवर से ऐसा करके फिट करने की बात करते हैं, उससे थोड़ा सा ये जो है जो इसके जो लेदर्स हैं वो थोड़े ख़राब होते हैं, तो वैसा बिल्कुल ना करिए। क्लीन कर दिया है, इसको भी थोड़ा साफ़ करेंगे, इसमें ग्रेसिंग करेंगे दोनों तरफ में एंड फिर जो है इसको फिट करेंगे इस तरह से। तो क्लीनिंग मैंने डिस्क की जो है मैक्सिमम चेंजेस कर दी है और इस तरह से ये दोबारा से फिट होगा, तो क्लीनिंग जल्दी से करते हैं एंड इसको फिट करते हैं एंड फाइनल दिखाता फिर। तो दोस्तों ग्रेसिंग आप देख सकते हैं हो चुकी है, बहुत ही लाइट क्वांटिटी यूज़ किया है दोनों में ही, ठीक है, ओवर ग्रेस नहीं करना है किसी भी चीज़ को, ठीक है, जिससे कि वहाँ पर ज़्यादा डस्ट जो है वो लगे, उतना ही ग्रेस लगे जितना ज़रूरत है। ठीक है, एंड एक चीज़ और, ये मुझे ब्रेबरी के प्लेट में आया हुआ था, ये इंडिकेटर होता है जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये थोड़ा बाहर निकला रहता है, तो जैसे ही घिसने वाला होता है ना तो डिस्क जो है वो जब पैड दबाएंगे आप तो ये आवाज़ करने लग जाता है, तो ये मुझे ब्रेबरी में आया था, स्टॉक में नहीं आता है, कईयों में आता है कईयों में नहीं आता, तो मुझे मिला हुआ था, अगर ये मिल जाए आपके साथ पे तो अच्छी बात है। तो इसको इस तरह से लगाएंगे, चलिए वो फिट करके दिखाता हूँ किस तरह से फिट होता है। अभी पिन लगाना है, ठीक है, पिन इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अच्छे से ध्यान से लगाइए, ठीक है, अंदर डालिए, इसको पुश कर दीजिए, ठीक है, यहाँ से ये लॉक हो गए। अब आपको दोनों में गैप बनाना है अच्छे सा और इसको हम फिट करने की। तो फाइनली दोस्तों असेंबली जो है वो फिट हो चुकी है एंड ये देखते हैं जब न्यू होता है तो गैप कैसा रहता है, ठीक है, तो इससे आपको इंडिकेट हो जाता है कितना पास में आ रहा है, तो ज़्यादा पास में आने लग जाए तो धीरे धीरे जो है न्यू डिस्क पैड जो है ले लीजिए, सिरामिक लगाना चाहे सिरामिक लगा लीजिए, नॉर्मल लगाना चाहे नॉर्मल लगा लीजिए, जैसी राइड है उस तरह से आप लगा सकते हैं। क्लीनिंग जरूरी है, ग्रेसिंग जरूरी है, क्योंकि मोमेंट्स होते हैं फ्री होते हैं, और अगर मोमेंट्स फ्री नहीं होंगे तो वो नॉइज़ जो है आता है, ठीक है। तो आई होप मैक्सिमम डिटेल जो है क्लियर हो गया हो किस तरह से आप कर सकते हैं। रेयर का चेंज करने का और ज़्यादा इजी भी है, आप वो कर सकते हैं,
अगर आपको चाहिए उस पर वीडियो तो कमेंट सेक्शन मेंशन करेगा, उसका वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। यहाँ वीडियो को एंड करते हैं, ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और देखते रहिए, ऐसे बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर चेक करिएगा।